वेलकम दोस्तों, 20 दिन के बीपीएससी क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और आज हम हाफ वे मार्क पे हैं, तो आधी क्रैश कोर्स हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी, 10वां दिन है। और जैसा कि आपने सुना होगा अभी, या फिर नहीं सुना है तो आज तो अभी जान लीजिए कि हमारी जो बीपीएससी है 65, ये जो डिसाइडेड डेट था 15 अक्टूबर, यानी कि आज से 12 दिनों के बाद ये इसी दिन होगी, ये कन्फर्म कर दिया है बीपीएससी की वेबसाइट पे। ओके, सो द डेट हैज़ बिन कन्फर्म्ड। 5 अक्टूबर से एडमिट कार्ड्स मिलेंगे वेबसाइट पे। ओके, तो आप अपना सेंटर देख के फिर उसके हिसाब से टिकट्स वगैरह जो है, जो बाहर रहते हैं बिहार से, वो करा सकते हैं। तो डेट इज़ कन्फर्म। तो अभी ये कोई भी स्पेकुलेशन जो थी कि फ्लड्स के कारण डेट्स बढ़ सकते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। एग्जामिनेशन 15 अक्टूबर को ही होंगी। ओके, तो अब हमें और जो प्रिपरेशन है वो तेज़ी से करनी होगी। तो 10वें दिन हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम मई महीने का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग से और फाइनेंशियल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो भी मैक्रो इकोनॉमिकली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये एक टर्म यूज़ यहाँ पे किया है इन्होंने, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस ने उद्यम नाम का एक स्किल सेंटर बैंगलोर में लॉन्च किया, जो कि यूथ ऑफ कंट्री को एम्पावर करने के लिए लॉन्च किया गया है। और एसोसिएशन में लोग भारतीय एजुकेशन सोसाइटी के साथ मिलकर इन्होंने स्टार्ट किया है। उसके बाद फिर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यन, उन्हें एडवाइजरी काउंसिल जो है 15 फाइनेंस कमीशन की, उसका एज ए मेम्बर अपॉइंट किया गया है। ओके, ये अप्रैल 2018 में काउंसिल बनी थी टू एडवाइज द कमीशन ऑन एनी इशू और सब्जेक्ट रिलेटेड टू द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशन। के बाद इंडिया की जो पहली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप थी, दैट इज़ भारत पे, उसने मर्चेंट सर्विसेज में अपना एक नया ऐप जो है वो लॉन्च किया है। बट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पहली फिनटेक स्टार्टअप इंडिया की भारत पे है। उसके बाद RBI ने एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है, जो कि सेफ, सिक्योर और कन्वीनियंट क्विक अफोर्डेबल ई पेमेंट सिस्टम के लिए, और उसका जो रिपोर्ट का नाम है, दैट इज़ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया विजन 2019 to 2021। ठीक है, ये RBI ने लॉन्च करा है। के बाद अपॉइंटमेंट्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये जो प्रोजेक्टेड रेट्स होते हैं ना, वो हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट है और कौन पब्लिश करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है, तो वो UN पब्लिश करता है। ओके, रेट्स को बिल्कुल ध्यान में मत रखिएगा, क्योंकि हर क्वार्टर में रेट्स चेंज होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SME सुविधा। ये कॉरपोरेशन बैंक ने एक स्कीम लॉन्च की है, जिसमें कि ये GST रजिस्टर्ड जितने भी MSMEs हैं, उनको अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पे लोन्स प्रोवाइड करेंगे। MSME सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉरपोरेशन बैंक ने लॉन्च की है SME सुविधा। ऑबिचुअरीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, किसकी डेथ हुई थी वो सब। इंपॉर्टेंट डेज में फर्स्ट में आपको पता है इंटरनेशनल लेबर डे। ओके, तो इस बार का जो थीम था वो था सस्टेनेबल पेंशन फॉर ऑल, दैट इज द रोल ऑफ सोशल पार्टनर्स।
उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो 3 मई को मनाया जाता है। इस बार का थीम था मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शंस इन टाइम्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 6 से 12 वीक मनाया गया। इस बार का थीम था लीडरशिप फॉर रोड सेफ्टी। ये जो तो ग्लोबल यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक्स हैं, ये इसका कैंपेन जो है वो यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी कोलेबोरेशन कोऑर्डिनेट करती है, जो कि WHO चेयर करती है। के बाद इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये जो इसका डे है वो है 22 मई, और इस बार का थीम था आवर बायोडाइवर्सिटी आवर फूड आवर हेल्थ। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल डेंगू डे भी 16 मई को मनाने का सोचा है, टू मार्क द टोल फ्रॉम द डेडली डिजीज। ओके, तो फिर ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एंटी टेररिज्म डे इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन राजीव गांधी का एसोसिनेशन हुआ था, तो दैट इज़ वाई एंटी टेररिज्म डे उस दिन हम लोग मनाते हैं 21 मई को। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई। फिर नए अपॉइंटमेंट्स ओनली पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इम्पॉर्टेंट है, बैंक्स के अपॉइंटमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो भी फर्स्ट है दैट इज इम्पॉर्टेंट, तो एम जयश्री व्यास, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो सेक्रेटरी है यूनाइटेड यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की, ये वो जो है वो लोग जो कमिटी है जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगी उसको हेड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है दैट इज और कोई हमारे लिए अपॉइंटमेंट्स इम्पोर्टेंट नहीं थे। इम्पोर्टेंट न्यूज़ अगर बात करें, जितने भी बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको जो ग्रीन प्लेट्स इशू करने की बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। ठीक है, फिर विशाखापट्टनम में जो है जो डिकमिशनिंग सेरेमनी हुई, उसमें एक राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर जो था वो डिकमिशन हुआ, जिसका नाम था INS रंजीत, ये डिकमिशन हुआ है। फिर जो लास्ट कैप्टिव वाइट टाइगर था, कैप्टिव मतलब वो सारे टाइगर्स होते हैं जो कि अंडर आप कह सकते हैं मेडिकल कंडीशंस में, अंडर एक्सट्रीम जो कंडीशंस होती हैं, जो लेबोरेटरी कंडीशंस में प्रिजर्व करके रखते हैं हम किसी भी स्पीसीज को, उसमें एक वाइट टाइगर जो लास्ट बचा हुआ था संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई का, दैट डाइड एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, जिसका नाम था बाजीराव। तो आपके लिए इसमें से इम्पोर्टेंट क्या हो गया कि संजय गांधी पार्क कहाँ पे है, मुंबई में, और जो टाइगर का नाम था दैट इज बाजीराव। इंडिया का जो नेवी का फोर्थ स्टील स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है दैट वाज वेला, जो कि प्रोजेक्ट 75i इंडिया का है, उसके अंदर हैज बीन लॉन्च इन मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, वेला।
डीआरडीओ ने सक्सेसफुली एक फ्लाइट कंडक्ट टेस्ट कंडक्ट की है, अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट फ्रॉम इंटरिम टेस्ट रेंज इन उड़ीसा। ठीक है, जो अभ्यास का कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज डिजाइंड ऑन इन लाइन स्मॉल गैस टर्बाइन इंजन एंड यूजेस इंडिजिनसली डेवलप्ड मेम्स बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। जो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जो है इसरो के द्वारा जो लॉन्च की गई है उसका नाम है युविका 2019। फिर पहला अपाचे हेलीकॉप्टर जो है इंडिया को फॉर्मली हैंडेड किया गया, जो कि बोइंग प्रोडक्शन यूएस के द्वारा बनाया जाता है एरिजोना मेशा यूएस में। इंडियन नेवी का पहला फुल फ्लेजेड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है उसको इनॉग्रेट किया गया नेवी चीफ के द्वारा। ठीक है, फिर सिम्बेक्स 19 जो है वो इंडिया सिंगापुर की मिलिट्री बाइल मिल मैरीटाइम मैरीटाइम सॉरी मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है सिम्बेक्स। फिर इसरो ने जो है अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है रिसेट 2 भी इसको लॉन्च किया है सक्सेसफुली। एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक जो है ये एक मिलिट्री ड्रिल थी जो कि जॉइंट ऑपरेशंस कैपेबिलिटी को आर्म फोर्सेस को फोकस करने के लिए की गई। ठीक है, ये अंडमान निकोबार में ये किया गया। यूनियन गवर्नमेंट ने एक प्लान किया है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम MCA 21 पोर्टल लॉन्च करेंगे। इट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक बैकबोन फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द रेगुलेटर कॉर्पोरेट्स एंड इन्वेस्टर। ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए MCA 21 पोर्टल है, तो आपको वो सेक्टर का नाम याद रखना है कॉर्पोरेट सेक्टर। फिर DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया एक इंडिजिनसली डेवलप 500 किलोग्राम क्लास गाइडेड बॉम्ब को, किससे? सुखोई से, पोखरण राजस्थान में। इन वर्ल्ड पावर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो इंडिया के रिस्पेक्ट में होगा, जैसे कि इंडो फ्रेंच पहला जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जो हुआ वो वरुणा 1901 ये था, तो इंडियन फ्रेंच जॉइंट नेवल एक्सरसाइज वरुणा। यूके जो है वो पहली ऐसी नेशनल गवर्नमेंट कंट्री बनी है जहां पे एनवायरमेंटल और क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने पहला वर्ल्ड का जीरो वेस्ट कॉमर्शियल फ्लाइट ये किया है ऑपरेट, जिसका नाम है कांटास। फिर कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को IIT कानपुर के साथ टाई अप किया गया है, किसको? अपग्रेड करने के लिए उन्नत भारत अभियान को। फिर नासा ने जो है वो अपना प्लान बताया जो कि एक स्मॉल मूनलेट टारगेट को वो हिट करेगा जिसको डबल एस्ट्रॉयड सिस्टम है 2022 में, जिसको डार्ट मिशन के नाम से भी जानते हैं, डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, ये 2022 तक वो हिट करेगा। फिर ताइवान जो है इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, ताइवान ने किया है।
अल्जीरिया एंड अर्जेंटीना को WHO ने मलेरिया फ्री कंट्रीज डिक्लेयर किए। स्टेट्स न्यूज़ में अगर कोई स्कीम्स है तो हम लोग वो देखेंगे, वरना बिहार की न्यूज़ देखेंगे। थ्रिसूर पूरम जो कि सबसे फेमस फेस्टिवल है केरला का, वो शुरू हुआ। तो बस कहाँ का फेस्टिवल है वो इम्पोर्टेंट है। फार्मर्स की कंडीशन, लाइवलीहुड कंडीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए मेघालय में अरोमा मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया। अरोमा चीफ मिनिस्टर संगमा ने किया था इसको। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, उसको सासाकावा अवार्ड 2019 का, उसने सासाकावा अवार्ड 2019 का जो है वो प्रमोद कुमार मिश्रा को दिया है। ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के 6th सेशन ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अनाउंस किया गया है इसको। स्पोर्ट्स न्यूज से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो आई थिंक कि हमारा डिस्कशन यहीं पे ओवर होगा करंट का, क्योंकि स्पोर्ट्स के न्यूज़ ज़्यादा आते नहीं हैं एग्ज़ाम्स में। ओके अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं मई महीने से। जैसे 2019 का टैगोर लिटरेरी प्राइज़ जो है वो राणा दास गुप्ता को मिला। जो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क था 2019 में, उसका थीम था सेफ्टी एंड हेल्थ एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क। फिर मध्य दक्षिणी फेस्टिवल 2019 जो है वो गुवाहाटी ने होस्ट किया था। फिर RBI ने ग्रीनिश कलर का येलो नोट जो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि 20 रुपये का स्टार्ट करने की बात की थी। फिर 20 रुपये के नोट पे जो है वो कौन से हेरिटेज साइट की फोटो देखेगी, तो दैट इज एलोरा केव्स। फिर किस कंट्री ने बिगेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड एक्सरसाइज वेस्टर्न सील्ड की थी अभी, तो श्रीलंका ने। फिर किसने पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट एकेडेमिक लोमोनोसोवा जो है उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया, दैट इज रशिया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैव बीन डेडिकेटेड बाई द इंडियन आर्मी टू बी कॉमेमोरेटेड एज द ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ कीन, तो 2019। फिर हमने ये देखा ऑलरेडी कांटास जो है ये कि जीरो वेस्ट वाला है। फिर उसके बाद किस स्टेट पुलिस ने वुमेन कमांडो को डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में अपने फ्रंटलाइन एंटी नक्सल फोर्स की तरह इंडक्ट किया है, दैट इज छत्तीसगढ़। फिर पहला ग्लोबल मेगा साइंस एग्जीबिशन दैट इज विज्ञान समागम अभी हाल ही में मुंबई में हुआ था।
वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। इसका जो इस बार का थीम था दैट वाज लव। गेम चेंजर जो बुक है ये शाहिद अफरीदी ने लिखी है। फिर हाल ही में दिल्ली में जो है WTO की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी डेवलपिंग कंट्रीज़ की। तो इंडिया में जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, अगर कोई समिट हो रही है तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डेंगा वैक्सीन और डेंगू के लिए पहले वैक्सीन है जो कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया, अप्रूव किया है। डेंगा वैक्सीन, डेंग वैक्सीन। और UNGA का जो नया प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं दैट इज इजानी मोहम्मद बांदे। फिर किस कंट्री ने हाल ही में सारे लैंग्वेज एडिशन ऑफ विकिपीडिया को बैन किया है? तो वो चाइना है। इंडिया और सिंगापुर की नेवीज ने अभी हाल ही में पार्टिसिपेट किया सिम्बिक 19 एक्सरसाइज में। ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्कॉट मॉरिसन अपॉइंट हुए हैं। फिर और 2019 के वर्ल्ड टेलीकॉम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे का जो थीम था वो था ब्रिजिंग द स्टैंडर्डाइजेशन गैप। सेकेंड एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू बी हेल्ड इन लिस्बन पोर्चुगल, जो हुई थी जून महीने में। एंटी टेररिज्म डे 21 मई। तो हमने जो भी क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट वो कवर कर लिए, साथ में हमने करंट अफेयर्स भी देखा मई महीने का। तो हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे रोकेंगे। कल हम लोग जो बेसिक्स पार्ट है उसका लास्ट टॉपिक करेंगे जो कि जनरल साइंस है। तो जनरल साइंस वी विल कवर टुमारो। उसके बाद जो रिमेनिंग 3 महीने के करंट अफेयर्स हैं, 4 महीने के जून जुलाई अगस्त सितंबर, और फिर जो रिमेनिंग 5 दिन है वो टोटली BPSC में बिहार के GK के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो तब तक के लिए प्लीज़ प्रिपेयर वेल, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, BPSC के प्रैक्टिस सेट्स बनाने शुरू कीजिए, बिकॉज अब वो एग्जामिनेशन में आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो जितने क्वेश्चन सब आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड सी यू टुमारो विद द न्यू लेक्चर। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो। यस सो।